भागलपुर के साकचक थाना क्षेत्र की सब्जी मंडी के समीप बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर जख्मी कर दिया। अपराधियों ने उसके शरीर के कई अंगों में गोली मारी है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर साकचक पुलिस पहुंची। स्थानीय पुलिस ने घायल को इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल में भर्ती कर दिया है। घटना में घायल मिथिलेश के पेट समेत शरीर के कई हिस्सों में गोली लगी है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी पहुंचे, जहां मामले की छानबीन की जा रही है। मामले को लेकर सिटी एसपी राज ने बताया कि पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ है कि युवक को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार घायल कर दिया है। मौके पर स्थानीय पुलिस और एफएसएल की टीम पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घायल का बयान अभी तक नहीं हो पाया है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। सुबह में एक सूचना मिली थी पुलिस को करीबन 9 बजे कि डॉक्टर गली है ये जिसमें बंटी साहब है, उनको गोली लगी है, जिससे अज्ञात के द्वारा उनको गोली मार के जख्मी कर दिया गया है। उनको हॉस्पिटल इलाज के लिए भेजा गया है और बाकी पुलिस हम लोग यहाँ पर घटनास्थल पर छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी भी हम लोग संभाल रहे हैं और पूछताछ के लिए भी हम लोग किसी को जा सकते हैं और बाकी आगे कार्रवाई की जाए। ये घटना सुबह हुआ है और हम अपना घर पर थे, हमको सूचना हुआ कि गोलीबारी कांड हुआ है। आकर लोग कुछ आदमी सूचना दिया, हम झटके गए तो देखे कि वहाँ जो है दीपक सा पिता का नाम राम बिहारी सा उसको मार रहा, ईटा पत्थर से मार रहा, गोली मार चुका था हाँ। और उसके बाद जाकर के जान से मारने के लिए फिर से सामान अपने आदमी से मांग रहा था कि सामान ला इसको मारिए देते हैं। अकेले था वो? हाँ, लड़का हमारा ना। नहीं नहीं, जो मारने वाला ना वहाँ पर सब परिवार था वो लोग। कारण क्या है मारे? कारण के लिए तभी कोई सूचना प्राप्ति में है। पहले से दुश्मनी तो कुछ नहीं था। पुलिस पास हुआ एक सूचना प्राप्त हुआ कि साक्षर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति गांधी डॉक्टर की गली में एक व्यक्ति मोती साह को किसी अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर जख्मी कर दिया गया है। पुलिस मौके पहुंचते हुए जख्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल एडमिट करा दिया गया है और उनकी इस मामले में जो भी अज्ञात कर्मी संलिप्त है उनके विरुद्ध छापेमारी की जा रही है और इस संबंध में अगर कार्रवाई की जा रही है। एफएसएल की टीम भी मौके पहुंची है, डीएसपी सिटी इस मौके का निरीक्षण कर लिए है और आगे कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर में घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक आश्रम में नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। मामला नाथनगर प्रखंड के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र इलाके का है, जहां पर एक आश्रम में 5 साल की बच्ची के साथ एक बाबा ने आश्रम के अंदर एक कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने पिता को खोजने के लिए आश्रम पहुंची थी, जहां पर बाबा नाबालिग को अपने कमरे में ले गया और वहां पर गंदा काम किया। नाबालिग को खोजते हुए उसकी माँ आश्रम तक पहुंची तो अर्धनग्न अवस्था में बच्ची को देखा, इसके बाद शोरगुल किया। घटना के बाद आसपास के लोग एकत्रित हुए, बाबा घटना के बाद से फरार है। पूरे मामले की जानकारी नाबालिग की मां ने डायल 112 की टीम को दिया। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इधर सूचना मिलने पर मधुसूदन पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पर पीड़िता के परिजन को महिला थाने के हवाले किया। महिला थाना की पुलिस ने बच्ची का मेडिकल टेस्ट के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाकर पहुंचा, जहां पर मेडिकल टेस्ट के बाद परिजनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई में जुट गई है। मधुसूदनपुर पुलिस के मुताबिक घटना शुक्रवार की करीब 1 बजे की बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुटी हुई है। वहीं सिटी एसपी ने बताया कि आरोपी बाबा के खिलाफ DIU समेत स्थानीय पुलिस उनके ठिकाने पर छापेमारी कर असरगंज से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नाबालिग के दादा ने बताया कि घर से महज 50 मीटर की दूरी पर एक आश्रम है, जहां पर अपने पिता को तलाशने के लिए नाबालिग गई हुई। आश्रम में एक बाबा अपने कमरे में उसे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने बताया कि नाबालिग के पिता घर से कहीं गए हुए थे, जिसकी खोज के लिए नाबालिग बच्ची आश्रम तक पहुंची। बाबा आश्रम में उसे बुलाकर अपने कमरे में ले गया, उसके साथ गंदा काम किया। जब हम पहुंचे तो अर्धनग्न अवस्था में बच्ची मिली। आश्रम के बाबा को जब पीड़ित की मां ने कहा तो उसने कहा कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई, और उसके बाद वहां से फरार हो गया। ग्रामीणों में इसको लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। वहीं आरोपी बाबा को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी कर रही है। मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक 7 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला पुलिस को जानकारी प्राप्त हुआ। इस संबंध में तत्कालीन कार्रवाई करते हुए बच्ची का मेडिकल कराया गया है, तो चौसर का बयान कराया गया है और इसमें जो संलिप्त जो इसमें अपराधी है धर्मानंद, इनको गिरफ्तार किया गया है और लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, इनकी गिरफ्तारी शहर से ही की गई है, जो की
ये असरगंज मुंगेर के रहने वाले हैं। इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है और माननीय न्यायालय में प्रसारित किया जा रहा है। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सखरुद्दीन चक में लहूलुहान स्थिति में तीन बच्चे की मां का लाश बरामद हुआ। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच विवाद को लेकर ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस एवं सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। मृतिका के परिजनों के मुताबिक मृतिका को 60,000 रुपए रखने के लिए दिए गए थे, वो चोरी हो गई थी। मृतिका ने चोरी का आरोप अपने पति मोहम्मद इरशाद पर लगाया था, जबकि मोहम्मद इरशाद का कहना था कि हम पैसे नहीं लिए हैं। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था। हत्या के बाद पति घर छोड़कर फरार है। मामले को लेकर सिटी एसपी का कहना है कि पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था जिसमें हत्या की गई है। प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे कार्रवाई में जुट गई है। 12:30 बजे रात में आए थे पापा बाहर से, कबाड़ जिसमें बनाता है ना सीख में, वही सीख में ना, वही सीख से मार दी थी मम्मी के माथे पर। कौन, पापा मार रहे थे? जी हाँ। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? जब सर से नाक से जब ब्लड निकलने लगा ना। किनका? मम्मी का? जी हाँ। तो फिर पापा भाग गए घर से। 60,000 मांगने के लिए गए, 80,000 रुपया चोरी हो गया। उसके बाद ये घटना रात में, कल 12 बजे दिन में हम लोग लेकर के गए छोटे लड़के का सामान मन को तय करने के लिए। 12 बजे खाना अपना खड़ा करके हम उसको कहा कि बेटा चल। उसके बाद जब मेरा लड़का जो है रहमत, वो कहे इसकी परवेश को फ़ोन करी, कह इसकी आज जाए नहीं जाएगी तो कल जाएगी, कह इसकी नहीं आज आएगी वो। उसके बाद आज आएगी तब उसके बाद बुलवा करके उसके बाद हम 8 बजे रात में यहाँ पहुँचवा दिया है। उसके बाद क्या बजे घटना हुआ ये हमको नहीं मालूम। लड़की को जो पहुँचाया, लड़की मेरे यहाँ कदम नहीं रखा। सुबह हबीबपुर थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक महिला को उसके पति के द्वारा सर में मारकर हत्या कर दिया गया है। इस संबंध में अनंतर कार्रवाई की जा रही है। महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है और इनके पति की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। भागलपुर में शिक्षा पदाधिकारी को इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय बहादुरपुर की दर्जनों छात्र छात्राओं ने आसिक मिजाज मंचलों के कारनामों का लिखित शिकायत किया है। छात्राओं का कहना है कि घर से 3 किलोमीटर दूर हम लोगों का स्कूल पड़ता है, जहां आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पक्की सड़क नहीं होने के कारण जंगल के रास्ते जाना पड़ता है। इस दौरान मंचले हम लोगों पर गलत कमेंट करते हैं, धमकियां देते हैं, जिस कारण हम लोगों की जान खतरे में है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से उन्होंने लिखित शिकायत कर कहा कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेकर दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए उन्हें स्वीकृति दी जाए ताकि उन लोगों को सुविधा मिल सके। इस दौरान 2 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पहुंची और लिखित शिकायत की है। देखिए मेरा बेटी है, हम लोग किसी का भी बेटी रहे, हम लोग चार सब मेरा पूर्वजों से चल रहा है, स्कूल में एडमिशन चल रहा था, हम भी पढ़े, मेरा बाप भी पढ़ा है और सब पढ़ा है, और यहाँ नया रूल ला के बोला कि हाई स्कूल मिले चक्कर बनाना है, इसके चलते सबका हो गया कि एक पंचायत में 2 स्कूल नहीं बनेगा। कौन ये रूल लाया? सारे है ऊपर आता है, है? क्या नाम है? दीपक कुमार नाम है। बताना चाहूँगा करके हम लोग को, मेरी बहन सर वो लोग कहता था, हम सब बोलते थे उसी में सर उनको मारने लगता था। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक
6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर देश भर में मशहूर मुजफ्फरपुर की शाही लीची पर शोध करेगा, जिसमें लीची की गुणवत्ता व कमियों की जानकारी इकट्ठा की जाएगी। साथ ही शोध के बाद आसपास के जिलों के किसान भी शाही लीची की खेती कर सकेंगे। इसके लिए बीएयू के कुलपति डॉक्टर डीआर सिंह ने 3 सदस्यीय वैज्ञानिकों की टीम को शोध की जिम्मेदारी सौंप दी है। टीम में बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी के वैज्ञानिक अवधेश पाल व मीनू कुमारी और बायोटेक्नोलॉजी की फैकल्टी अंकिता नेगी शामिल है। इसी विश्वविद्यालय में शाही लीची पर शोध शुरू हो गया। बता दें कि टीम ने मुजफ्फरपुर के विभिन्न इलाकों से शाही लीची का नमूना इकट्ठा किया है। सैंपल को जमा कर ये लोग इसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करेंगे जो कुलपति को सौंपी जाएगी। शोध के दौरान लीची में मिलने वाले किसी भी प्रकार की गड़बड़ी का पता लगाकर उसका उपाय भी ढूंढने के काम में वैज्ञानिकों की टीम लगी हुई है। मशहूर शाही लीची की जड़ तक जाकर वैज्ञानिक शोध करने में जुटे हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में छात्र दरबार लगाया गया। आज के छात्र दरबार में छात्रों की अनेक समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर पीजी बीएससी बीकॉम छात्रों का पेंडिंग रिजल्ट क्लियर किया गया। जिन छात्रों का एडमिट कार्ड मिसिंग था उसे भी डुप्लीकेट एडमिट कार्ड इशू किया गया। जिन छात्रों ने सही व सटीक उत्तर के लिए आरटीआई के माध्यम से सवाल किया था उसे भी स्पष्ट किया गया। कुल मिलाकर 245 केस का निष्पादन किया गया। आज 206 को ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट मिला। पीजी के 2 बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग था वो भी पेंडिंग क्लियर करके दे दिया गया। यूजी बीए बीएससी बीकॉम के 19 बच्चों का पेंडिंग केस था वो भी क्लियर हो गया। मार्कशीट 4 बच्चों के जो नहीं इशू हुए थे वो भी अभी इशू कर दिए गए। 2 बच्चों ने दिया था कि एडमिट कार्ड उसकी मिसिंग है तो वो 2 बच्चों को डुप्लीकेट एडमिट कार्ड दे दिया गया। और कुछ ऐसे छात्र थे जिन्होंने के आरटीआई में चैलेंज किया था कि मुझे इवेल्युएटेड आंसर बुक चाहिए तो वैसे 10 केस थे उसे भी उपलब्ध करा दिए गए। कुल 243 केसेस डिस्पोज ऑफ हुए। सुविधा यही मिल रहा है कि बहुत टाइम हो जाता है कि बहुत बच्चों का मिलता ही नहीं, गुम हो जाता है, उसको बार बार आना जाना बहुत परेशानी होता है। अभी 1 सप्ताह के अंदर में ये मिल जा रहा है, शनिवार को मिल जाता है, 3 दिन सबमिट लेते हैं फॉर्म, तो बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका समय भी बच जाता है, ज़्यादा परेशानी। हम 21 में ही अप्लाई किए थे लेकिन बार बार आए हमको मिला नहीं, और बाद में पता चला कि यहाँ छात्र सेवा केंद्र में मिलता है तो अप्लाई किए, हमको 1 सप्ताह के अंदर में मेरा काम हो गया। ऐसे बहुत परेशान हो गए थे हम। छात्र दरबार से मुझे बहुत सुविधा मिला। इससे पहले 10 महीना से मैं चालान कटा के ये 4 बार यूनिवर्सिटी से लौट कर गया था। मेरा घर सुपौल जिला पड़ता है, मैं वहाँ से 4 बार आया लौट कर चला जाता था। इस बार मुझे छात्र दरबार की जानकारी मिली तो इसमें मैंने बुधवार को अप्लाई किया था, इसी बुधवार को इसी वीक में, तो आज मुझे कुलपति महोदय के द्वारा सर्टिफिकेट दे दिया गया है डिग्री पार्ट ग्रेजुएशन डिग्री का। इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 29 जुलाई से 3 अगस्त तक विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने बताया कि जिनका भी सर्वोच्च न्यायालय में मामला चल रहा है वैसे लोग पहले भागलपुर न्यायालय में मामले की जानकारी ले सकते हैं। अगर किसी कारणवश सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते हैं तो दोनों पक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़कर मामले का निष्पादन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में जिले के 5 मामले लंबित है। वहीं 13 जुलाई से भागलपुर न्यायालय परिसर में भी लोक अदालत आयोजन कर जिले के कई प्रकार के मामलों का निष्पादन किया जाएगा। दिनांक 29 जुलाई 2024 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया गया है। इस संबंध में पूरे जिले के सभी आम जनों को ये जानकारी देने में मुझे हर्ष हो रहा है कि उनके जो मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हैं जो सुलहनीय हैं उस संबंध में वो जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करके अपने मामले के सुलह करने के संबंध में
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सुल्तानगंज थाना परिसर में थाना अध्यक्ष प्रिरंजन, सीओ रवि कुमार के नेतृत्व में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें जमीन विवाद के पहुंचे दर्जनों केसों का निष्पादन किया गया। इस दौरान सीओ रवि कुमार ने मीडिया को बताया कि जनता दरबार में पुराने 16 और नए 5 केस पहुंचे, जिसमें 8 केस का निष्पादन किया गया। इस दौरान अंचल कर्मचारी विजय कुमार, मृत्युंजय कुमार सहित दर्जनों पुलिसकर्मी एवं जमीन मालिक मौजूद थे। मेरा जमीन संबंधी मामला था, हम जमींदार से जमीन लिए थे। कितना जमीन लिए थे? 3 डिसमिल। हाँ, तो क्या फैसला हुआ जनता दरबार में? जनता दरबार में फैसला हुआ कि हर चीज़ कागजात की जांच हुई, जांच के बाद सीओ साहब आदेश देगा, आप अपने जमीन पर जाइए और जो आवाज़ कीजिए। द्वितीय पक्ष को निर्देश दिया, आप जमीन खाली कर दीजिए।